बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अशोक जवेद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि होंडा मोटरसाइकिल और यामा मोटरसाइकिल ने अपनी जितने भी मॉडल्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा एक इंक्रीज कर दिया प्राइसेस का, जिनका इतलाक आज से होगा। आज से जो होंडा मोटरसाइकिल खरीदेगा उसको नई कीमत के ऊपर मोटरसाइकिल मिलेगी। तो कितनी प्राइसेस बढ़ाई हैं होंडा ने और कितनी यामा ने बढ़ाई हैं, इसके ऊपर डिटेल से बात होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें होंडा मोटरसाइकिल की, तो उसकी लिस्ट जो है न्यू रेट की मेरे पास पहुंच चुकी है। तो उसमें अगर हम बात करते हैं CD70, सबसे पहले मॉडल है होंडा का CD70, जिसकी पुरानी प्राइस थी 1,06,500 रुपए, जिसके अंदर 5,000 रुपए इजाफा किया गया और इसकी नई कीमत हो गई है 1,11,500 रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं CD70 Dream की, इसकी प्राइस थी पहले 1,13,500 रुपए, जिसके अंदर 6,000 रुपए का इजाफा किया गया है और अब इसकी नई कीमत जो होगी है वो 1,19,500 रुपए हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइडर की, जो कि 100cc है, इसकी पहले प्राइस थी 1,44,900 रुपए, जिसके अंदर 6,000 रुपए का इजाफा किया गया और इसकी नई कीमत हो गई है 1,50,900 रुपए। तो उसके बाद हम बात करते हैं CG125, जो इसका सबसे लो वेरियंट है 125 का, वो है 1,68,500 रुपए, इसकी पहले प्राइस थी, इसके अंदर भी 6,000 रुपए का इजाफा किया गया और उसकी नई कीमत हो गई है 1,74,500 रुपए। उसके बाद CG125 जो सेल्फ स्टार्ट है, इसका स्पेशल एडिशन है, उसकी अगर बात करते हैं तो उसकी पहले प्राइस थी 1,98,500 रुपए, जिसकी कीमत बढ़कर 7,000 बढ़कर 2,05,500 रुपए कर दी गई है। उसके बाद आता है CB125F, और ये पहले थी इसकी प्राइस 2,53,900 रुपए, जिसकी प्राइस 10,000 बढ़ाकर 2,63,900 रुपए कर दी गई है। उसके बाद CB150F, इसकी प्राइस थी पहले 3,08,900 रुपए, इसकी कीमत भी 15,000 रुपए बढ़ाकर 2,23,900 रुपए कर दी गई है। उसके बाद आता है CB150F स्पेशल एडिशन, इसकी पहले प्राइस थी 3,12,900 रुपए और जिसकी कीमत भी 15,000 रुपए बढ़ाकर 3,27,900 रुपए कर देगी। ये थी होंडा की प्राइसेस, जिनके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। और उसके बाद अगर हम यामा की बात करते हैं, यामा की बाइक जो है वो होंडा से भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, तो उनकी प्राइस लिस्ट भी मेरे पास पहुंच चुकी है। उसकी अगर बात करें तो यामा ने सबसे पहले जो इनका मॉडल आता है YD125Z, इसकी प्राइस पहले थी 2,31,500 रुपए, जिसके अंदर 23,500 रुपए का एक बहुत बड़ा इजाफा है, वो करके 2,55,000 रुपए इसकी नई प्राइस हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं YD125ZDX की, इसके पहली प्राइस थी 2,48,000 रुपए, जिसके अंदर 25,500 रुपए का इजाफा कर दिया गया और इसकी प्राइस हो गई है 2,73,500 रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं YBR125 की, जिसकी पहले प्राइस थी 2,55,000 रुपए, इसके अंदर भी 25,500 रुपए का इजाफा किया गया और इसकी नई प्राइस हो गई है 2,80,500 रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं YBR125G की, तो जिसकी प्राइस थी 2,65,500 रुपए, जिसके अंदर 26,500 रुपए इजाफा कर दिया गया और इसकी नई कीमत हो गई है 2,92,500 रुपए। उसके बाद YBR125G आता है, तो इसकी प्राइस थी 2,68,500 रुपए, जिसके अंदर 26,500 रुपए का इजाफा किया गया और इसकी नई प्राइस हो गई है 2,95,000 रुपए। अब हम बात करते हैं यामा, यामा ने अपनी जो बाइक की प्राइस है वो 23,000 से लेकर तकरीबन 26,500 रुपए तक का इजाफा किया है और होंडा ने 5,000 से लेकर 15,000 रुपए का इजाफा किया है। मतलब कि यामा मोटरसाइकिल की प्राइसेज जो है वो होंडा की नज़र बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो आप इन प्राइसेज को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि ये मोटरसाइकिल जो था ये एक आम बंदे की सवारी थी, कार्स लेना तो अब आम बंदे की बस की बात नहीं रही, उसकी प्राइसेज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब मोटरसाइकिल भी जो है वो आम बंदा जो है जो कम पैसे कमाने वाला है उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। अच्छा खासा इजाफा है ये मोटरसाइकिल के इजाफे जो है तकरीबन पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि हर महीने या दूसरे महीने तीसरे महीने प्राइसेस जरूर इंक्रीज होती हैं और अच्छी खासी प्राइसेस के अंदर जो है वो बढ़ा दी गई हैं। आप इन प्राइसेस को किस नजर से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।